एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ उड़ रही थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर ला कर अपनी चोट से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई, बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ, भूख लगी है माँ। अरे बच्चों, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ, माँ, मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खा के बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान की पत्ती में डाल कर भी माँ अपने बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया। मल्हार नगर में डोलू मोलू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर में पीछे खेल रहे थे। मुझे वो बैट दो, मैं पहले बैटिंग करूंगा। मैं क्यों दूं? मैंने टॉस जीता है। दोनों में अनबन शुरू हो गई, मगर क्रिकेट तो खेलना था दोनों को। तभी वहाँ पे उसके दादाजी आते हैं। क्यों झगड़ रहे हो बच्चे? देखो ना दादाजी, मैंने टॉस जीता है, मुझे बैटिंग करने नहीं दे रहा है। अरे बोलो, टॉस अगर उसने जीता है तो उसको देना चाहिए ना। तो मोलू कहता है, टॉस जीता तो क्या हुआ, आने से पहले हम दोनों में बात हुई थी कि मैं पहले बैटिंग करूंगा। ऐसे इन दोनों की झगड़ा देखते हुए दादाजी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो दादाजी सोचते हैं इन दोनों को खेलना तो है, मगर खेलने से पहले झगड़ा खत्म करना है। तो दोनों बच्चों को सामने बुलाते हैं और बिठाते हैं। बिठा के उनको समझाते हैं कि दूसरों की भलाई या तो खुशी में अपनी खुशी छुपी होती है। दादाजी के बात मानते हुए मोलू ने डोलू को बैटिंग करने के लिए दिया। जब वो दोनों खेल रहे थे, वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी रोने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों वहाँ पे जाकर झांक के देखते हैं, बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। डोलू मोलू को पहले समझ में तो नहीं आया कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो डोलू कहता है, लगता है इनकी माँ इन्हें छोड़ के चली गई है। अरे शायद उसकी माँ खाना ढूंढने गई होगी। ऐसे दोनों में चर्चा शुरू हुई, मगर बिल्लियों ने जोर जोर से चिल्लाना बंद नहीं किया। तब दोनों ने तय किया है कि उनको भूख लगी है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। तब उनको दादाजी की बात याद आती है। दादाजी ने समझाया था कि दूसरों की भलाई में हमें खुशी मिलती है। तो दोनों दौड़ के दादाजी के पास जाते हैं और कहते हैं, दादाजी दादाजी, बिल्ली के बच्चों को बहुत भूख लगी है। आप चलिए ना, देखिए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दादाजी को इनकी बातों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, तो समझ में भी नहीं आया। तो
तो दादाजी इन दोनों के साथ चलते हैं कि बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं देखने के लिए। दादाजी ने देखा कि दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और अरे डोलू मोलू जाओ और एक एक कटोरी दूध लेके आओ। जब डोलू मोलू ने दो कटोरी भर के दूध लाया तो बिल्ली के बच्चों के सामने वो दूध रख के उनको दूध पिलाया। तब जाके बिल्ली के बच्चे की भूख शांत हुई और दोनों बच्चे चिल्लाना चीखना बंद कर दिए। उनकी चीख बंद होने से डोलू मोलू बहुत खुश हुए और दादाजी ने डोलू मोलू को शाबाशी दी। शाबाश डोलू मोलू, आप दोनों ने दूसरों के भूख समझे और दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना भी खिलाया और दूध भी पिलाया। तो क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं दादाजी? दादाजी मन में ही मुस्कुराते हुए हाँ क्यों नहीं, अब ये भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो डोलू मोलू दो के साथ दो दोस्त मिल गए इस बात को समझते हुए बहुत खुश हुए और बिल्ली की बच्चों के साथ खेलते कूदते अपने दिन बिताए।